दुख होगा आपको यह जानकर कि उत्पाद विभाग में जो सिपाही बहाली का दौड़, जो सिपाही बहाली की प्रक्रिया चल रही है, जो दौड़ चल रहा है, उसमें अभी तक 12 लोगों की मौत हो गई है और हर जगह से परिजनों के अलग अलग आक्रोश झलक कर सामने आ रहे हैं। लेकिन पलामू से आज एक अलग सूचना आ गई है। पलामू में परिजन पूरी तरीके से आक्रोशित हैं, विपक्ष भी हमलावर हो गया है, सत्ता पर और व्यवस्था पर आरोप लग रहे हैं। पलामू में उत्पाद सिपाही बहाली की मौत का मामला, 5 मौत के बाद पलामू में आक्रोशित हुए परिजन। परिजनों का आरोप, सरकार और विभाग है लापरवाह, लापरवाही के कारण जा रही है बच्चों की जान। विपक्ष भी उतरा विरोध में, नौकरी और 1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग। मृतकों के विसरा को रखा गया है सुरक्षित। मौत के कारणों का नहीं हो सका है खुलासा। सीएम के आदेश पर 3 दिनों तक दौड़ स्थगित। दो लड़के हैं यार, लेकिन उस पर जो है से इलाका में छतरपुर गांव में हमारा जितने पढ़े लिखे लोग थे वो लोग का नाज था। 5 लड़का आया था गुमला से, रो रहा था बैठ के, जहाँ संस्कार कर रहे। सफिशियंट पुलिस फोर्स का वहाँ डिप्लॉयमेंट है और मेडिकल फैसिलिटीज भी जो है वहाँ इंश्योर्ड था, लेकिन कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुआ है जिसमें पलामू सदर अस्पताल में 2 लोगों का डेथ हुआ था। दोनों लोगों का जो हम लोग मेडिकल बोर्ड गठन करके मजिस्ट्रेट के सामने ही पोस्टमार्टम कराया है और उनका विसरा भी जो है जांच के लिए भेजा गया था। जो मजिस्ट्रेट वहां पोस्टेड था उनके बयान के बेसिस पे जो है हम लोग एक दोनों के संदर्भ में यूडी केस किया है। वैसे वो लगातार फरका, जिसको बोलते स्टेटस एपिलेप्टिकस, मोर देन 20 मिनट्स अगर रहेगा फरका तो बोलते हैं, उस कारण से उसकी ऑक्सीजन और बीपी गिर गई थी। हार्ट का हमें जांच किया तो ईसीजी में उसकी एसटी वेव चेंजेस थी और ट्रॉपटी और ट्रोपाई दोनों पॉजिटिव था। तो हम बोला की इस यंग एज में जो इससे दौड़ किया है, इसके हार्ट के अटैक क्यों आए। हमने कार्डियोलॉजिस्ट हमारे यहाँ आते हैं, हमने उनको दिखाया, उनसे पुष्टि कराई, उसके साथ हमने और ब्लड टेस्ट में ये पाया कि उनकी क्रिएटिन हाई थी, उनमें किडनी नहीं थी। तो विथ जो हिस्ट्री के साथ हमने ऐसे मिलाया कि ये पेशेंट हीट स्ट्रोक का है। हीट स्ट्रोक में अनुमान जब ब्रेन में अत्यधिक तापमान बढ़ जाता है। वर्तमान सरकार का फेलियोर है, राज्य का फेलियोर नहीं है। एजेएमएम कांग्रेस आरजेडी सरकार का फेलियोर है और इनका यह जो है दूरदर्शिता की कमी है, साथ साथ संवेदनशीलता की कमी है। इन्होंने हमेशा भावनाओं और संवेदनाओं के साथ खेला है। अपने वोट बैंक के और तुष्टिकरण की राजनीति करने के लिए झारखंड के गरीबों को, झारखंड की जनता को इन्होंने हमेशा अपने वोट बैंक के राजनीति का शिकार बनाए हैं। उसके बल तो अभी अभी हमने आपको 4 लोगों की बातें सुनाई। एक तो मृतक के परिजनों की बातें सुनाई जो सीधे सीधे सत्ता और व्यवस्था पर आरोप लगा रहे थे, किसी तरीके की व्यवस्था नहीं है। पलामू की एसपी रेशमा रमेशन को सुनाया आपको, जिन्होंने बताया कि यूडी केस में मामला दर्ज हो गया है। हमने डॉक्टर की भी बात सुनाई और विपक्ष नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी की भी बात सुनाई। सीधे सीधे निशाना सरकार पर लग गया है। रुक करते हैं हमारे सहयोगी पलामू से, संजीत जुड़ रहे हैं हमारे साथ। संजीत, पलामू में 5 मौतों के बाद अब परिजन आक्रोशित है, सीधे सीधे आरोप सत्ता पर लग रहा है और व्यवस्था पर लग रहा है कि वहां अभ्यर्थी जो जा रहे हैं वो अपना पानी खाना लेकर जा रहे हैं, पानी तक वहां मुहैया नहीं हो पाया है। अब मौत के बाद अलग बात है कि सिस्टम एक बार फिर हरकत में आए, जाग जाए। कि जब 5 अभ्यर्थी की मौत हुई, मौत के बाद कई मामले सामने आए, मामले सामने आने के बाद डॉक्टरों का कहना है कि हीट वेव के कारण बच्चे की मौत हुई, अभ्यर्थी की मौत हुई है, और इधर परिजनों का कहना है कि लापरवाही के कारण बच्चों की मौत हुई है। अब बात यह है, कह सकते हैं कि एक तरह से लापरवाही मान सकते हैं क्योंकि गुनाहगार ही होगा, कि इसलिए क्योंकि जब बच्चे से हमारी बात जब बच्चे से हुई, अभ्यर्थी से हुई, तो उन्होंने का कहना है कि ये जो मौसम है, बिना मौसम के कारण जो टाइमिंग होती है, जो टाइमिंग एक बिन टाइमिंग की किया जा रहा है, अनन फानन में सर
विपक्ष भी यही बात बोल रही है भी जो समय होना चाहिए, समय समय सीमा होनी चाहिए, बिना समय सीमा के साथ ये आनन फानन में बहाली कराई जाए, जिसके कारण आज ताजा नतीजा है जो आज पलामू में 5 अभ्यर्थियों की मौत हो गई। ये बड़ी मामला है। ये भले कोई मान ले जी ये मौत एक साधारण है, लेकिन मौत एक तरह से बहुत, क्योंकि डॉक्टरों ने कहा कि हीट वेव के कारण मौत हुई। बच्चे संजीत आपको एक बात बता दूं कि ये पलामू के डॉक्टर जो हीट वेव की बात कर रहे हैं, किडनी फेल्योर की बात कर रहे हैं, ये प्रथम दृष्टया जांच में आया है, विसरा प्रिजर्व किया गया है। अब विसरा से समझ में आएगा कि आखिरकार मौत के कारणों का क्या, मौत के क्या कारण है, हार्ट का जो फेल्योर हुआ है वो क्यों हुआ है, क्रिएटिनिन क्यों इतना ज्यादा बढ़ गया था, सोडियम बॉडी में घट गया था, ब्लड प्रेशर लो हो गया था। बहुत धन्यवाद संजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।